बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो उनके दरमियान डिस्टेंस एंड बेयरिंग किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। मैंने ये ड्राइंग अपनी पिछली वीडियो से ली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट पॉइंट P0 है और मेरा सेकेंड पॉइंट P1 है। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे दिए गए हैं, फार्मूला अप्लाई करते हुए इनके दरमियान डिस्टेंस एंड बेयरिंग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डेल्टा ई एंड डेल्टा एन कैलकुलेट करना है। डेल्टा ई के लिए E2 - E1 करेंगे, क्योंकि मैंने अपने P1 को सेकंड पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, इसलिए मैं P1 की ईस्टिंग में से P0 की ईस्टिंग माइनस करूंगा। चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। कैलकुलेटर में मैं अपनी E2 996 में से अपनी E1 1000 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर -4 रिसीव होगा। अपने पास मैं अपने इस आंसर को नोट कर लूंगा। नेक्स्ट, अब मैंने डेल्टा एन कैलकुलेट करना है। डेल्टा एन कैलकुलेट करने के लिए N2 - N1 करते हैं। तो मैं अपने सेकंड पॉइंट की नॉर्थिंग 2004 में से अपने फर्स्ट पॉइंट की नॉर्थिंग 2000 को माइनस करूँगा तो मेरे पास डेल्टा एन कैलकुलेट हो जाएगा। डेल्टा ई या डेल्टा एन कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेशन में हमें जो भी साइन प्लस या नेगेटिव मिले, हमने वो अपने पास मस्ट नोट करना होता है। डेल्टा एन मेरा 4 मीटर कैलकुलेट हुआ है तो मैं इसको अपने पास नोट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला देख लेते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें डेल्टा ई का स्क्वेयर प्लस डेल्टा एन का स्क्वेयर लेकर होल अंडर रूट लेना पड़ता है। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए हमें डेल्टा ई या डेल्टा एन के साथ जो नेगेटिव साइन होता है उसको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं अंडर रूट साइन लेने के बाद 4² + 4² = करूँगा तो मेरे पास डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि 5.656 आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम रिड्यूस बेयरिंग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डब्ल्यू से बी कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं होता। सबसे पहले हम रिड्यूस बेयरिंग ही कैलकुलेट करते हैं। रिड्यूस बेयरिंग कैलकुलेट करने का फार्मूला है टेन इनवर्स डेल्टा ई ओवर डेल्टा एन। कैलकुलेटर में सबसे पहले डेल्टा ई ओवर डेल्टा एन कर लेता हूँ। डेल्टा ई भी 4 है, डेल्टा एन भी 4 है। 4 / 4 करूँगा तो 1 आंसर रिसीव होगा। अपने इस आंसर को मैं कैलकुलेटर में शिफ्ट 10 लेता हूँ तो 10 इनवर्स मेरा आ जाएगा। 10 इनवर्स आंसर करूंगा तो मेरे पास रिड्यूस बेयरिंग कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 45 डिग्री आ रही है। मैंने अपनी इस रिड्यूस बेयरिंग को अपने पास नोट कर लिया है। अब मैं अपनी इस रिड्यूस बेयरिंग को डब्ल्यू से बी में कन्वर्ट करूंगा। हम अपनी पिछली वीडियो में बेयरिंग की कन्वर्जन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देख कर रहनमाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ हम डेल्टा ई और डेल्टा एन को देखते हुए अपने क्वाड्रेंट का तयन करते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ प्लस में और ईस्ट माइनस में है तो हमें डायरेक्ट समझ आ जाएगी कि हमारी ये लाइन हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री से अपनी रिड्यूस बेयरिंग को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस लाइन की डब्ल्यू सी बी कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 315 डिग्री आ रही है। नेक्स्ट, मज़ीद एक और पॉइंट मैंने ड्रा किया हुआ है तो उस पॉइंट के दरमियान भी हम डिस्टेंस एंड बेयरिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आप देखें तो मैंने P0 के कोऑर्डिनेट वही 1000 ईस्टिंग एंड 2000 नॉर्थिंग रखी हुई है, लेकिन P1 के कोऑर्डिनेट मैंने चेंज किए हुए हैं, जो कि 1004 एंड नॉर्थिंग 1996 रखी है। तो मैंने अपने P1 पॉइंट को सेकेंड पॉइंट कंसिडर किया है, इसलिए E2 - E1 करके मैं डेल्टा ई कैलकुलेट करूंगा। 1004 - 1000 करूंगा तो मेरे पास आंसर 4 रिसीव हुआ है। इस आंसर को मैं अपने पास नोट कर लेता हूं। अभी डेल्टा ई मेरे पास प्लस साइन के साथ रिसीव हुआ है। नेक्स्ट, अब मैं डेल्टा एन कैलकुलेट करता हूं। डेल्टा एन कैलकुलेट करने के लिए N2 - N1 करूँगा। N2 मेरा 1996 है, जिसमें से मैं अपने N1 2000 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर रिसीव हुआ है -4। तो मैं अपने इस आंसर को अपने पास सेव कर लेता हूं। पहले हमारे पास डेल्टा एन प्लस साइन में था, अभी हमारे पास डेल्टा एन नेगेटिव साइन में है।
मैंने ये सेकंड पॉइंट ओनली रिड्यूस बेयरिंग का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ड्रा किया था। तो रिड्यूस बेयरिंग अभी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा एन कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 4 किए तो आंसर 1 रिसीव हुआ, 10 इनवर्स किया 1 का तो 45 आंसर रिसीव हुआ। ये हमारी रिड्यूस बेयरिंग कैलकुलेट हुई है, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारी रिड्यूस बेयरिंग कौन से क्वाड्रेंट में है? ओनली हम डेल्टा ई और डेल्टा एन के साथ लगे हुए साइन से अपने इस रिड्यूस्ड बेयरिंग को पहचान सकते हैं। अभी हमारा डेल्टा ई प्लस में है, डेल्टा एन नेगेटिव में है, तो हमें फौरन समझ जाना चाहिए कि ये हमारा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ माइनस एंड ईस्ट प्लस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रिड्यूस बेयरिंग आने से हम 180 डिग्री में से अपनी रिड्यूस बेयरिंग को माइनस करते हैं तो हमारे पास डब्ल्यू से बी कैलकुलेट हो जाती है। 180 डिग्री में से मैं 45 डिग्री माइनस करूंगा तो मेरे पास 135 डिग्री इस लाइन की डब्ल्यू से बी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।